वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के बारे में पढ़ाया था, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि तंत्रिका कोशिका होती क्या है। तंत्रिका कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो तंत्र का निर्माण होता है वो तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र में करीब 1 खरब की संख्या में क्या पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो इन्हीं न्यूरॉन्स के द्वारा ही जो हमारे शरीर में जितने भी संकेत जो अंगों ऊतकों आदि के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाए जाते हैं और वहां से वापस लेकर आते हैं, तो इन सभी कार्य तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था कि तंत्रिका कोशिका होती है यानी कि एक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी कहा जाता है, दूसरा भाग होता है द्रोमाक्ष, इसको डेंड्रॉन कहा जाता है, और तीसरा भाग होता है वो होता है तंत्रिकाक्ष जिसे एक्सोन कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है, ठीक है, और इसके कार्य क्या होते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती हैं और वो हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। अब चैप्टर चल रहा है मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है और इसको हमारी शरीर की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने आपको जब तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं यानी कि तंत्र होते हैं। तो मैं आपको कौन कौन से तंत्र पढ़ा चुका हूं, मैंने आपको सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ाया था, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था, उसके बाद मैंने जनन तंत्र आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इन सारे तंत्रों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मैंने तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको बताया था कि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी सिस्टम यानी कि तंत्रों को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करने का कार्य करता है। लेकिन हमारे शरीर में इतनी सारी कोशिकाएं होती हैं तो सभी कोशिकाओं को कंट्रोल अकेला तंत्रिका तंत्र नहीं कर सकता, इसलिए जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो इसकी मदद करता है ताकि हर एक कोशिका और कोशिका के साथ साथ सभी तंत्रों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र का क्या कार्य होता है, तो जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो तंत्रिका तंत्र से मिलकर हमारे शरीर में कोशिकाओं को नियमित एवं नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि होता क्या है तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र यह तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर जो शरीर की सभी कोशिकाएं होती हैं, शरीर की सभी कोशिकाएं यानी कि सेल्स के कार्यों को नियंत्रित करता है, के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब अंतःस्रावी तंत्र कार्य किस प्रकार करता है, इसमें क्या पाई जाती है, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, इनका दूसरा नाम होता है नलिका विहीन ग्रंथियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का श्रवण होता है यानी कि जो इनके उत्पाद होते हैं, इनके उत्पाद तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद होते हैं हार्मोन। ठीक है, तो इनका क्या होता है, इनका श्रवण होता है यानी कि इनका डिस्चार्ज होता है, श्रवण होता है, कहां पर होता है, रक्त में होता है। ठीक है,
तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो उत्पाद होते हैं हार्मोन होते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन का श्रवण करती हैं। अब ये हार्मोन होते क्या हैं? तो हार्मोन होते हैं इन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हुए ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि, उपापचय एवं अनेक रासायनिक क्रियाओं करने के कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? ये शरीर में वृद्धि, उपापचय, उपापचय को इंग्लिश बोलते हैं मेटाबॉलिक क्रिया है। मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिक एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में यानी कि किसी भी सजीव के शरीर में जो एनर्जी जनरेट करने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाती है? वो उपापचय क्रिया कहलाती है। ठीक है, उससे क्या है, हमारा शरीर एक्टिव रहता है यानी कि सक्रिय रहता है। तो शरीर की वृद्धि, उपापचय एवं अनेक रासायनिक क्रियाएं, अनेक रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कौन करते हैं? हार्मोन। हार्मोन का जो संश्लेषण होता है किनके द्वारा किया जाता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। बाह्यस्रावी, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है उनको इंग्लिश में कहते हैं एक्जोक्राइन, एक्जोक्राइन ग्लैंड्स। जब शरीर में बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जैसे यकृत होता है, लीवर एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है, इसी के साथ जो लार ग्रंथि है, सैलिवरी ग्रंथ, ठीक है, वो भी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। इसके साथ जो अश्रु ग्रंथि होती है, लैक्रिमन ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, वो भी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। यानी कि यकृत के द्वारा पित्तरस, किसका श्रवण होता है? पित्तरस। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं वो हमारे शरीर में एंजाइम और पाचक रसों का श्रवण करती हैं, जो हमारे शरीर में पाचन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पाचन करने में क्या करते हैं? मदद प्रदान करते हैं। तो यकृत पित्तरस का श्रवण करता है। लार ग्रंथि होती है, वो लार का श्रवण करती है। लार में मैंने कौन कौन से एंजाइम बताए थे? टाइलिन बताया था, और टाइलिन के साथ साथ एमिलेस बताया था। ठीक है, ये एंजाइम क्या कार्य करते हैं? मैंने बताया था ये जो बसा होती है यानी कि जो फैट होती है, इस बसा को किसमें चेंज करते हैं? ये माल्टोस में चेंज करते हैं। किसमें? माल्टोस में चेंज करते हैं, माल्टोस नामक शर्करा में ये चेंज करते हैं। ठीक है, तो अश्रु ग्रंथि को बोलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सी? लैक्रिमल, लैक्रिमल। अश्रु ग्रंथि किसका श्रवण करती है? आंसू निकलते हैं हमारी आंखों से। ठीक है, तो ये होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी होने के साथ साथ बाह्यस्रावी का कार्य करती हैं, तो उन ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि क्या कार्य करती है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है ये, और इसी के साथ साथ ये बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है, यानी कि एंडोक्राइन भी होंगी और एक्जोक्राइन भी होंगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जो मिश्रित ग्रंथि होती है किसका श्रवण करेंगी? हार्मोन का श्रवण करेंगी। किसका? हार्मोन का, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और मैंने अभी यह भी बताया कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है वो किसका श्रवण करती है? पाचक रसों का, पाचक रस यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका श्रवण करती है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि का कार्य करती है, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है? तो ऐसी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि के जो उदाहरण है, अग्नाशय, अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, इसी के साथ साथ जो वृषण होते हैं, वृषण किसका अंग है? ये नर जनन तंत्र का अंग होता है। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये उसका अंग होता है। वृषण को इंग्लिश बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, और जो मादा जनन तंत्र का अंग होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। तो अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। तो ये तीनों ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथियां कार्य करती हैं। तो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोनों का श्रवण होता है। कौन कौन से? एक तो होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। ठीक है, तो ये तो होते हैं हार्मोन। हार्मोन का जब श्रवण हो गया तो अग्नाशय ने अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कर लिया।
यदि इसको 22 स्रावी ग्रंथियां कार्य करेगी तो ये किसका सेवन करेगी, ये पाचक रसों का सेवन करेगी। तो मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं कि अग्नाशय के द्वारा, दिख रहा है ना, अग्नाशय के द्वारा कौन कौन से पाचक रसों का स्राव होता है, पाचक रस। जब मैंने डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया था, पाचन तंत्र पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कुछ, मैं आपको बता देता हूं फिर से। जैसे एमिलेज होता है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, तो इस तरह के कई सारे पाचक रसों का स्राव करता है कौन, अग्नाशय। तो इस तरह से ये कौन सा हुआ, ये मिश्रित ग्रंथि हो गई। और जो भीषण होते हैं, तो भीषण अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में हार्मोन का श्रवण करेंगे, यानी कि जो नर जनन हार्मोन होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका श्रवण किया जाता है इस भीषण के द्वारा, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अंडाशय जो ओवरी होता है, इसके द्वारा दो हार्मोन का श्रवण किया जाता है, एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। जब मैंने मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से आपको मैंने ये समझाया था, ठीक है, कि ये होते कैसे हैं, इनका कार्य क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन का ये श्रवण करते हैं। इसी के साथ साथ ये 22 स्रावी ग्रंथि के रूप में जो निकालते हैं, ये स्पर्म का श्रवण करते हैं, और जो अंडाशय होता है ये ओवम यानी कि अंडाणु का श्रवण करता है, ठीक है। और जो भीषण होते हैं वो शुक्राणु का श्रवण करते हैं 22 स्रावी ग्रंथि के रूप में, और जो अंडाशय होता है वो 22 स्रावी ग्रंथि के रूप में ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और वो क्या क्या कार्य करती हैं, अब उनके बारे में हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है और हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी का भी कार्य करती हैं और बाह्यस्रावी का भी कार्य करती है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि उनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर में कितने प्रकार की पाई जाती हैं और वो क्या क्या कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं। तो अब हम पढ़ते हैं कि मानव शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि इसको इंग्लिश में हम बोल देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ओके। तो मानव शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये कहाँ पर स्थित होती हैं, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो मानव शरीर में 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां आपके बुक में दे रखी हैं। तो पहली है, एक बार आप सबको देख लो, हाइपोथैलेमस इंग्लिश में भी लिखता जाता हूँ, ठीक है। जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो होती है पीयूष ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्लैंड। चौथी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। नंबर 5 पे आती है थायराइड ग्रंथि। नंबर 6 पे आती है पैराथायराइड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। नंबर 7 पर है अधिवृक्क ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। नंबर 8 पर है अग्नाशय ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बताया था, हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। और नंबर 9 पर है
वेषण, इसको बोलते हैं टेस्टिस, और नंबर 10 पर है अंडाशय, इनको क्या बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि हमारे शरीर में कहां कहां पाई जाती है। तो शुरुआत की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और जो पीनियल ग्रंथि होती है, ये तीनों वाली ग्रंथि होती है, शुरुआत की फर्स्ट 3 होती है, ये पाई जाती है मस्तिष्क में, यानी कि ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, और जो थाइमस ग्रंथि होती है ये पाई जाती है, जो नंबर 4 वाली ग्रंथि है ये पाई जाती है सीने में, यानी कि चेस्ट में। ओके, और थायराइड और पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है दोनों, ये दोनों ग्रंथि पाई जाती है गर्दन में, गर्दन यानी कि नेक में। ओके, और अधिभक ग्रंथि होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, जो नंबर 7 पे आती है, ये पाई जाती है ब्रेकों के ऊपर, यानी कि ब्रेक में पाई जाती है, ब्रेक को क्या बोलते हैं किडनी। ठीक है, हम इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंबर 8 पर आती है अग्नाशय, तो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अग्नाशय ही अंग में ही पाई जाएगी, किसमें अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में ही पाई जाएगी। और नंबर 9 और नंबर 10 पर जो दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये दोनों ग्रंथियां जनन ग्रंथि कहलाती हैं। ठीक है, और जो भेषण होता है ये होता है नर जनन अंग के साथ साथ ये ग्रंथि भी होती है, और जो अंडाशय होता है ओवरी, ये मादा जनन अंग के साथ साथ ये ग्रंथि भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि जो भेषण ग्रंथि होती है वो नर जनन अंगों में पाई जाती है। कहां पर? नर जनन अंग, अभी बताया था जो भेषण है वो खुद एक नर जनन अंग है, तो भेषण ग्रंथि भी होगी वो इस भेषण में ही पाई जाएगी। ठीक है, और जो अंडाशय होते हैं वो मादा जनन अंग होते हैं, और ये ग्रंथि भी होती है, तो ये किसमें पाई जाएगी? ये मादा जनन अंगों में पाई जाएगी। यानी कि जो अंडाशय होता है ओवरी होता है वो खुद अपने आप में एक क्या है, एक ऑर्गन होता है मादा जनन तंत्र का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 ग्रंथियां हमारे शरीर में अलग अलग स्थिति पर, अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं, और इनके सबके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये हमारे शरीर की एक प्रमुख ग्रंथि होती है, जो हर एक ग्रंथि को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि हाइपोथैलेमस के बाद जो ग्रंथि होती है, पहली ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, इसी के कारण ही सब कुछ रेगुलेट होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस होता है वो पीयूष ग्रंथि को संकेत भेजता है, यानी कि संदेश भेजता है, और उसके बाद जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, इसी पीयूष ग्रंथि के निर्देश अनुसार जितने भी बाकी ग्रंथियां जो आपको ये दे रखी हैं, जितनी भी बाकी ग्रंथियां होती हैं वो पीयूष ग्रंथि के निर्देश अनुसार ही कार्य करती हैं, यानी कि हार्मोन का श्रवण करती हैं। ठीक है, तो इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया है इतना, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में, और फिर पीनियल और सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको इतना? तो मैं मिटा देता हूं। तो पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जब मैंने तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था, तो तंत्रिका तंत्र में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके 2 पार्ट मैंने बताए थे। पहला पार्ट होता है मस्तिष्क, दूसरा पार्ट होता है मेरुरज्जु। तो पहला पार्ट मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहा जाता है, उसके 3 पार्ट होते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस मैंने बताया था कि अग्र मस्तिष्क होता है, यानी कि फोरे ब्रेन वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसमें हाइपोथैलेमस पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था। तो मैंने थैलेमस बताया था, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके आधार में स्थित होने वाला पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो यह अग्र मस्तिष्क के आधार में स्थित वाला भाग होता है, भाग होता है जो थैलेमस से तो नीचे पाया जाता है, थैलेमस से नीचे एवं पीयूष ग्रंथि के, पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है, पीयूष ग्रंथि के
पास वाला भाग है, पास वाला भाग है। तो ये कार्य क्या करता है? तो मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस जो अंग होता है, किसके बारे में बता रहा हूँ? हाइपोथैलेमस अंग के बारे में बता रहा हूँ, ना कि ग्रंथि के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो अंग की तरह भी कार्य करता है और एक ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। तो पहले देखिए कि हाइपोथैलेमस अंग के कार्य कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था, यह निद्रा, थकान, भूख, प्यास और जितने भी हमारे मनोभाव होते हैं, मनोभाव मैंने बताए थे कौन कौन से, गुस्सा, प्यार, खुशी, घृणा, ठीक है। इसी के साथ साथ बताया था ये पसीने को भी कंट्रोल करता है, तो इन सभी को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, ठीक है। तब मैंने हाइपोथैलेमस पढ़ाया था, तब मैंने इन सभी के बारे में आपको बताया था। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में देखिए कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो किस रूप में कार्य करती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, यह पीयूष ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण को कंट्रोल करता है, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, संश्लेषण यानी कि निर्माण को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और इसके साथ साथ ही यह पीयूष ग्रंथि के ये हार्मोनों का संश्लेषण को तो नियंत्रित ही करेगा और हार्मोनों के उत्सर्जन को यानी कि श्रवण को भी नियंत्रित करता है, उत्सर्जन को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है यह दो हार्मोन का श्रवण करती है, दो प्रकार के हार्मोन का क्या करती है, श्रवण करती है। तो कौन कौन से हार्मोन है? तो एक हार्मोन होता है मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलीजिंग हार्मोन। तो ये मोचक हार्मोन होता है एक तो, ठीक है, और दूसरा हार्मोन होता है वो होता है निरोधी हार्मोन, निरोधी हार्मोन, इसको बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन होते हैं, मैंने बताया था जो हाइपोथैलेमस होता है वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों का संश्लेषण और इसी के साथ उनके श्रवण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो मोचक हार्मोन होता है जो रिलीजिंग हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस का, वो पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि के हार्मोन श्रवण को क्या करता है, प्रेरित करता है, हार्मोन श्रवण को प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसी हार्मोन के द्वारा ही पीयूष ग्रंथि है वो हार्मोन का श्रवण कर पाती है, और ये निरोधी हार्मोन होता है वो इन्हीं बीटिंग जो हार्मोन होता है इसके द्वारा पीयूष ग्रंथि के हार्मोन श्रवण को रोका जाता है, क्या किया जाता है, रोका जाता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण कब होगा और पीयूष ग्रंथि हार्मोन कब श्रवण करेगी, इसका जो मेन कार्य होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। यानी कि हाइपोथैलेमस होती है वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को संश्लेषण यानी कि निर्माण एवं इसी के साथ साथ हार्मोन श्रवण यानी कि उत्सर्जन को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये तो होता है हाइपोथैलेमस। अब हमने हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि को, तो दूसरी जो ग्रंथि है वो दूसरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं, आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि अब हम पढ़ते हैं, ओके। तो मानव शरीर की जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि होती कहां पे स्थित है? तो पीयूष ग्रंथि यह है मस्तिष्क में पाई जाती है यानी कि ब्रेन में पाई जाती है। इसका आकार कैसा होता है? इसका जो आकार होता है मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान यानी कि पी शेप की पाई जाती है, ओके। इसी के साथ साथ जो पीयूष ग्रंथि होती है
यह हमारे शरीर की यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि है यानी कि यह स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये अब ये कार्य क्या करती है, तो इसके कार्य को देखते हैं। तो इसके कार्य को देखने से पहले मैंने अभी आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कहां पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। ओके, तो हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क से आने वाली जितनी भी सूचना है, संदेश होते हैं उनको क्या करता है, एकत्र करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, यह मस्तिष्क से आने वाली जो संकेत सूचनाएं होती हैं उनको क्या करता है, एकत्रित करता है। एकत्रित करने के बाद यह तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा यानी कि न्यूरॉन्स के द्वारा कहां पहुंचा देता है, पीयूष ग्रंथि में पहुंचा देता है। कहां पर, पीयूष ग्रंथि में पहुंचा देता है, पहुंचाता है। ओके, जब ये सारी सूचनाएं होती हैं, जब पीयूष ग्रंथि में पहुंच जाती हैं, तो पीयूष ग्रंथि इसी के हिसाब से क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि जितने भी बाकी की ग्रंथि होती है, अन्य सभी ग्रंथियों को, अन्य सभी ग्रंथियों को क्या देती है, निर्देश देती है, ठीक है। और इसी पीयूष ग्रंथि के निर्देश अनुसार, किसके अनुसार, निर्देश अनुसार जितनी भी बाकी की जो ग्रंथि होती है वो क्या कार्य करती है, वो कार्य करती है हार्मोन का उत्सर्जन करती है, यानी कि हार्मोन श्रावण करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पीयूष ग्रंथि का कार्य किस प्रकार से होता है, कि हाइपोथैलेमस होता है वो मस्तिष्क का पार्ट होता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे ही पाई जाती है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क से आने वाली सूचनाओं को एकत्रित करता है और तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स के द्वारा कहां पहुंचाता है, पीयूष ग्रंथि में पहुंचाता है। और पीयूष ग्रंथि उन्हीं आदेश अनुसार, उन्हीं निर्देशों के हिसाब से बाकी जितनी भी अन्य ग्रंथियों को क्या देती है, निर्देश देती है, आदेश देती है, ठीक है। और उसी हिसाब से बाकी की सभी ग्रंथियां हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं। इसी कारण जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पर क्या करती है, बाकी सभी ग्रंथियों पर, बाकी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको यहां तक, तो ठीक है। अब देखते हैं जो पीयूष ग्रंथि है इसके भाग, तो पीयूष ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, तो पहला भाग होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, और दूसरा भाग होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये होता क्या है, मैं अभी बताता हूं उनको आपको, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग होता है, यह पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग होता है, कौन सा, आगे वाला भाग होता है। तो इस भाग को कहा जाता है अग्रपीयूष, क्या कहा जाता है, अग्रपीयूष, ठीक है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला भाग होता है, यह पीयूष ग्रंथि का पीछे वाला भाग होता है, पीछे वाला, ठीक है। तो इस भाग को कहा जाता है पश्चपीयूष। ओके, समझ में आ गया ना आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि है ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का श्रवण करेगी, तो पीयूष ग्रंथि है वो कौन कौन से हार्मोन का क्या करती है, श्रवण करती है, श्रवण करती है, ठीक है। तो हार्मोन कौन कौन से हार्मोन का श्रवण करती है, तो पीयूष ग्रंथि होती है, पहला हार्मोन होता है सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन,
आपकी बुक में सिर्फ हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये हार्मोन किस प्रकार से हमारे शरीर में वर्क करते हैं, ओके। क्योंकि पीयूष ग्रंथि होती है वो सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण स्थापित करती है, और पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन का सरबरा होता है जो हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक सेमोटोट्रोफिन नामक जो हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा सरबरा होता है, वृद्धि हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन? यह वृद्धि हार्मोन कहलाता है, वृद्धि हार्मोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये वृद्धि हार्मोन कहलाता है। यदि ये वृद्धि हार्मोन है तो इसका मतलब ये व्यक्ति की, ये हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायक होगा। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का आकार प्रभावित होता है। इसका मतलब होता है यदि इस सेमेटोट्रोपिन हार्मोन की हमारे शरीर में अधिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिकता, हार्मोन की यदि हमारे शरीर में अधिकता हो जाएगी तो व्यक्ति का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब आकार हो जाएगा दानव आकार का, कैसा, दानव आकार, राक्षस लगेगा। इसी को कहते हैं अति महाकायता, अति महाकायता, ठीक है। तो ज्यादा आकार बढ़ जाना भी एक तरह की बीमारी होती है। यदि इसी सोमेटोट्रोपिन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इसका मतलब अधिगमी, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी कि इसकी अधिकता होने पर व्यक्ति का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी प्रकार सेमेटोट्रोपिन की कमी हो जाने पर जो इंसान होता है वो हो जाता है छोटा और बौना। तो इसको इंग्लिश में इसकी टर्म होती है ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो ये होता है सेमेटोट्रोपिन, आपकी बुक में सिर्फ नाम दे रखा है, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। आप याद रख सकते हो तो रख लेना, क्योंकि ये आगे आपको बहुत अधिक काम आने वाले हैं, समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा हार्मोन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं मिटा देता हूं और फिर पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले सभी हार्मोनों को एक साथ करा देता हूं, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन का स्रवण करती है, ठीक है। तो अभी मैंने एक हार्मोन बताया था सेमेटोट्रोपिन, ठीक है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, और एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये क्या कार्य करते हैं, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये वाला हार्मोन फीमेल होती है, जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर में दूध निर्माण का कार्य करता है, दूध निर्माण यानी कि मिल्क सिंथेसिस करने का कार्य करेगा, ठीक है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है यह है फीमेल में दूध श्रवण का कार्य करता है, यानी कि इसे मिल्क रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है, मिल्क रिलीजिंग, यह दूध श्रवण का कार्य करता है। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो दूध निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। और इसमें एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, यह हार्मोन होता है हमारे शरीर में जल संग्रहण का कार्य करता है, किसका, जल संग्रहण, यानी कि वाटर स्टोरेज का कार्य करता है। और यदि हमारे शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी, तो जो व्यक्ति है वो बार बार पेशाब जाएगा, व्यक्ति बार बार क्या जाएगा, पेशाब जाएगा, यानी कि यूरिन, ठीक है। और एक हार्मोन होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन, ठीक है। और एक हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि होती है इन छह हार्मोनों का सरबरा करती है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम तीसरी ग्रंथि हम पढ़ने वाले हैं पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्रंथि भी हमारे शरीर में कहां में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, किसमें, मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। मैंने बताया था जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, कॉर्पस कैलोसम नामक पट्टी से डिवाइड होता है, तो इन दोनों भागों के, इन दोनों गोलार्धों के बीच में पाई जाती है ये पीनियल ग्रंथि, ओके। ये कौन सी हार्मोन का श्रवण करती है, तो हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, तो ये मेलेटोनिन हार्मोन का श्रवण करती है। अब ये मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो क्या कार्य करता है, तो यह हार्मोन
यह हार्मोन जो व्यक्ति की यानी कि मानव शरीर की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे रूटीन वर्क होते हैं, रूटीन, उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। इसी के साथ उनको नियमन भी करता है, उनको रेगुलेट करने का कार्य करता है, देख रेख करने का कार्य करता है। समझ में आ गया? तो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं को नियंत्रण एवं नियमन भी करता है। इसी कारण ही जो पीनियल ग्रंथि होती है, इस पीनियल ग्रंथि को शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये बायोलॉजिकल क्लॉक किस प्रकार से होती है, जैविक घड़ी किस प्रकार से होती है, जैसे हमको कहीं जाना होता है, जैसे हमें कहीं सुबह 5 बजे जगना है, हमने 5 बजे का क्या डाला, अलार्म, है ना, अलार्म डाल दिया। तो ऐसा होता है यदि हमें कहीं जाना होता है, जैसे हम जा रहे हैं दिल्ली, सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन है, ओके, तो हम ऑटोमेटिकली, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम खुद अपने आप अलार्म बजने से पहले 4 बजे जग जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या रहती है, हमें चिंता सी रहती है कि हमें सुबह जल्दी जगना है, कुछ काम करना है, तो हम क्या होते हैं, टाइम से पहले जग जाते हैं। तो ये जगने का जो कारण होता है उसको नियंत्रित करती है ये पीनियल ग्रंथि। इसी कारण ही इसी जैविक घड़ी कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, क्योंकि क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसका कार्य क्या होता है, समय दिखाने का होता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए जो पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। तो आज हमने कितनी ग्रंथि पढ़ी है, 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी है। पहले मैंने बताई थी हाइपोथैलेमस, दूसरी मैंने बताई थी पीयूष ग्रंथि, और तीसरी मैंने बताई है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो इसके बाद की जितनी भी ग्रंथि बच गई हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और कल की क्लास में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां बच गई हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 की आज तक की आपकी 19 क्लास हो चुकी है, कल की क्लास यानी कि 20वीं क्लास में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने हर एक पार्ट, हर एक सिस्टम को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से ही समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। जो बच्चे नए आए हैं अभी जो चैनल पर जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आपको बेल आइकन भी बटन दबा लेना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चों तक पहुँच सके, और वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से घर बैठ के कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से घर बैठ के अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ओके। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में।